Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज फिर से आप लोगों के लिए एक और chest का variation लेके आया हूँ. बहुत ही amazing trick है ये, बहुत ही amazing exercise है. सिर्फ एक exercise but बहुत ही effective. तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में. एक्सरसाइज को बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये चेस्ट के कौन से पार्ट को हिट करने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेस्ट के दो मेजर बड़े मसल्स होते हैं जिसे कहते हैं पेक्टोरियलिस मेजर एंड पेक्टोरियलिस माइनर. सो पेक्टोरियलिस मेजर एंड माइनर दोनों को ही ये एक्सरसाइज हिट करेगी, लेकिन पैक मेजर के कौन से हिस्से को? द मिड पार्ट, स्टर्नल कॉस्टल, जो आपका एरिया होता है, यहाँ से जुड़ा होता है ओरिजिनेशन. एंड द इंसर्शन इज हेयर इन द ह्यूमरस बोन. यहाँ पे इसका इंसर्शन है, देखिए ये पैक मेजर का, और ओरिजिनेशन यहाँ से है. ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज में हम इस एरिया को हिट करेंगे स्टर्नल कॉस्टल के, और साथ ही साथ आपका जो पैक माइनर है यानी कि मेजर के अंदर वाला हिस्सा जो रिब्स से स्टार्ट होता है, आपकी थर्ड से लेकर फिफ्थ रिब से अटैच होता है और स्कैपिला, कॉर्कोइड ऑफ स्कैपिला में अटैच होता है पीछे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अटैच होता है आपके रिब्स से. सो दोनों ही पार्ट्स को, पैक मेजर एंड माइनर को हिट करेंगे, लेकिन पैक मेजर के इस वाले एरिया को जो स्टर्नल कॉस्टल एरिया है, इसको बुरी तरीके से टारगेट करेगी एक्सरसाइज. तो गाइज बात करते हैं इसके बारे में, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिए, इस तरह की स्मॉल ट्रिक्स मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ. लेट्स गो. तो गाइज ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा फ्लाई मूवमेंट है, केबल फ्लाइज. अब देखिए फ्लाई की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, वेरिएशंस होते हैं. हम बेंच में डंबल फ्लाइज भी लगाते हैं, पैक डेक फ्लाइज भी लगाते हैं. एक बेनिफिट हमें जो केबल फ्लाइज का मिलता है, ये बेनिफिट हमें मिलता है एंगल्स चेंज करने का, और इसी एक्सरसाइज में हम जो एंगल्स का वेरिएशन देंगे इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें. सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी मसल क्यों ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है. एवरी मसल विच यू आर ट्रेनिंग, यू आर स्ट्रेचिंग द मसल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल. अब पैक मेजर की हम बात करें, जो हम हिट कर रहे हैं आज स्टर्नल कॉस्टल वाला एरिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमरस बोन को जब दूर लेके जा रहे हैं तो स्ट्रेच हो रहा है, और ह्यूमरस बोन को पास लेके जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. देख सकते हैं आप इस तरीके से. अब एंगल अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरी एक्सरसाइज का, तो मैंने एक लो एंगल लिया हुआ है. देखिए एक लो एंगल लगाने की वजह से नीचे क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे, जो एरिया मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ मेरा स्टर्नल कॉस्टल वाला, अगर आप पास से देखेंगे स्टर्नल कॉस्टल वाला एरिया जो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, ये एरिया, इस एरिया को स्ट्रेच मिल रहा है और ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. राइट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी चीज़ को कैसे मेंटेन करके चलेंगे हम थ्रू आउट द एक्सरसाइज, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो रही है कि जब भी हम फ्लाई मूवमेंट करते हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें, स्ट्रेच, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है, हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे स्ट्रेच यानी कि इसेंट्रिक पार्ट में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मसल ज़्यादा फटीग होता है, मसल में ज़्यादा टेंशन लंबे वक्त तक आती है. तो इस एक्सरसाइज को करने का पर्पज़ हमारा ये है कि मसल में टाइम अंडर टेंशन बढ़े, ज़्यादा देर तक मसल फटीग हो, रेंज ऑफ मोशन बढ़े इसेंट्रिक पार्ट में, और अपना जो ये लोअर पार्ट है यानी कि जो स्टर्नल हेड है हमारा पेक्टोरिस मेजर का, ये हिट हो. साथ ही साथ हमारा पैक माइनर, बिकॉज स्कैपिला और रिब से जुड़ा हुआ जो हमारा अंदर का मसल है, वो भी हिट हो. राइट, तो देखिए किस तरीके से मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ. सबसे पहले चेक करेंगे हमारा फीट प्लेसमेंट. मैं आगे लेके आऊँगा अपने वेट्स को. फीट्स क्लोज रहेंगे मेरे, नीज में स्लाइट बैंड रहेगा. राइट, टाइट नहीं होने चाहिए नीज, स्लाइट बैंड. आगे लेके आएंगे आप वेट को, और देखिए जो वेट कहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन पार्ट, वो मेरे स्टर्नल कॉस्टल के थोड़ा सा नीचे यानी कि लोअर पैक्स के पास. स्ट्रेच कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे आप, स्ट्रेच 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 एंड दैट्स इट. एंड अपने स्टर्नल कॉस्टल के पास आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं कहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन को, और स्ट्रेच कहाँ पे लेके जा रहा हूँ. इसके साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को लीन कर रहा हूँ आगे जब भी स्ट्रेच हो रहा है. सी ये, अब जब मैं लीन कर रहा हूँ अपनी बॉडी को आगे, तो इसको इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेच मिल रही है. बॉडी का वेट भी, रेजिस्टेंस भी, दोनों का इम्पैक्ट साथ में आ रहा है, तो स्ट्रेच ज़्यादा मिल रही है मसल को. एंड देन जब मैं पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मसल को, तो चेस्ट जो सामने था वो पीछे आके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, जिससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मेरा जो कॉन्सेंट्रिक पार्ट है वो फास्ट हो रहा है. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पार्ट फास्ट एंड ईसेंट्रिक स्लो. अगेन कॉन्सेंट्रिक पार्ट फास्ट एंड ईसेंट्रिक स्लो. वॉच नाउ. ठीक है, देखिए फिक्स किया आपने, चेस्ट अप, स्ट्रेच, ईसेंट्रिक पार्ट स्लो होगा, स्ट्रेच मिला,
and contract. Lean forward, stretch, contract. Lean forward, slow stretch and contract. एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान दीजिए. देखिए मैं अपनी पिंकीज को कैसे ट्विस्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स द एंड. स्ट्रेच लीन किया एंड कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेच लीन किया कॉन्ट्रैक्ट. अब यही मूवमेंट मैं आपको साइड से करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मेरी बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है. देखिए यहां पे होल्ड किया आपने एंड देन लीनिंग फॉरवर्ड गिविंग द स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट. लीनिंग फॉरवर्ड स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट. लीनिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. लीनिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो गाइस ये एडवांस ट्रिक आपको बहुत बेनिफिट करेगी जब आप चेस्ट के मसल को हिट करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली आपके स्टर्नल हेड को, यानी कि अंदर के हिस्से को जो अक्सर लोगों का वीक रहता है. लोग कहते हैं लाइन कैसे क्रिएट होगी, लाइन कैसे क्रिएट होगी. यही कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं जो आपको करने होते हैं अपनी लाइफ में. और बहुत सारे लोगों का जो प्रोसेस है प्रोग्रेस का वो स्लो हो जाता है या वो रुक जाता है, प्लेटो हो जाता है आपकी लाइफ में, चेस्ट की ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली. तो इस तरह के वेरिएशन जिसमें आप टेम्पो को स्लो कर रहे हैं, टेम्पो को फास्ट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक मूवमेंट में, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है आपकी ट्रेनिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए. सो गाइस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप अपने चेस्ट के वर्कआउट के दिन ऐड करिएगा, यानी कि आप चेस्ट की और एक्सरसाइजेस भी लगाएंगे उसके साथ इस एक्सरसाइज को ऐड करेंगे और इसके चार सेट्स लेंगे फॉर 12 टू 15 रेपिटेशन फॉर कॉन्सेंट्रिक फेलियर. और गाइज अगर आप लोगों को ये सीरीज मेरी एडवांस ट्रिक सीरीज पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए और उसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से और बॉडी पार्ट्स आप देखना चाहते हैं. तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन चेस्ट के एक नए वेरिएशन को लेके. और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड गाइज टेक केयर. जीत सलाल, बाय बाय.